हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने आप में बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज है महाशिवरात्रि। तो फ्रेंड, आज जाएंगे हम पूजा वूजा करने मंदिर में। आप लोगों को भी दिखाएंगे हमारे यहाँ का मंदिर कैसा है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में लास्ट तक। मैं हो गई नहा के फ्रेंड, तैयार हो जाती हूँ, मंदिर आप लोगों को दिखाऊँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। फ्रेंड जा रहे हैं मंदिर, देखो ये आगे जाती जा रही हूँ। इसलिए ऐसा पहाड़ के खो हमें 150-200 सांप नाच रहे थे। वास्तु वास्तु शब्द को पिता शांत बैठी होता भस्म उन्मार के लाया। अरे फ्रेंड, पूजा मंदिर में बहुत अच्छे से पूजा हो गई। मंदिर में बोल नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे लोग थे और बाबा भी बैठे थे मंदिर के। फ्रेंड लोग चाय बन गई है और हम पी लें और आप लोग भी पी लो। हमने तो चाय फ्रेंड देखो कफ कर दिया खाली। और अब वीडियो शूट कर लूँ, शॉर्ट वीडियो जो मेरे इंस्टाग्राम पर आएंगे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीपाली कुमारी 341। तो आप फॉलो कर लो मेरी आईडी को और वीडियो देखो। कहाँ जा रहा नहाने? देखो फ्रेंड, ये पहले मंदिर तो बिना नहाए गया था और अब आके नहाएगा। ये लड़का इतना बदतमीज है ना, कुछ पूछो मत। फ्रेंड हम सूट सिल रहे हैं और सूट सिल के और आप लोगों को पहन के दिखाएंगे कि आप लोग कमेंट में बताना कि हमारा सूट कैसा सिला है। ठीक है फ्रेंड, बाहर नहीं सिलवाते हैं क्योंकि बाहर टेलर बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, क्योंकि इतने पैसे नहीं दे सकते। तो घर में जैसा है वैसा हम घर पे ही सिल लेते हैं। देखो ये नहा के आ गया, कपड़ा पहन के बाल बाल काट के आया। इसे बाल काटना ढंग से नहीं आता है, अभी जैसा काट पाता है वैसे काट लेता है। कभी जब स्कूल जाता है ना तब मैं काट देती हूँ, तो अभी तो ऐसे ही आ गया है, ये बाल बाल नहीं काट पाता है ढंग से। सिल गया फ्रेंड मेरा नया सूट। और देखो ये है मेरे सूट का लुक। आप लोग कमेंट में बताना मैंने कैसा सिला है और अच्छा लग रहा है कि नहीं। मैं तो बहुत तेज लग रही हूँ, भूख। हम बनाए चावल, देखो ये डाल दिए चावल और दाल डाल के खिचड़ी बन जाएगी। तो दाल डाल दे, रख दे, इसमें बनेगी खिचड़ी। बन गए फ्रेंड चावल। कितनी हरी मिर्च काटेंगे? 3 प्याज काट। जामा डाल के फ्रेंड घुमा दो ये लगा के ढक्कन, तो फिर छोटी छोटी हो जाती है। देखो हो गई छोटी छोटी, एक दो बार घुमा दो फ्रेंड डाल के, सोई छोटी छोटी हो जाती है ये प्याज। प्याज में से जरब निकलती है तो इसमें डाल के पीसना आसान होता है फ्रेंड, ताकि हम जरब वरब ना लग पाए आँखों में। ये डाल देते हैं, प्याज भुज गई फ्रेंड। तो इसमें अब चावल डाल देंगे जो खिचड़ी हमने उबाल लिया पहले कुकर में धर के। डाल दिए फ्रेंड चावल, थोड़ी इसको मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, ये हो जाएगी मिक्स। बन गई फ्रेंड खिचड़ी। तो बताओ किन किन के यहाँ पे ऐसी खिचड़ी बनती है जैसी मैंने बनाई है, कमेंट करके बताना सब लोग। हमने तो फ्रेंड डाल ली है खिचड़ी और ये है छोटू की और ये है मेरी प्लेट। तो अब मैं खाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूँ कि खिचड़ी खाने से पहले कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तो महाशिवरात्रि है तो ये व्रत क्यों नहीं है। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कभी व्रत नहीं रहती हूँ और मैं भगवान जी को भोग लगा के उसके बाद जब मुझे भूख लगती है तब मैं खाना खा लेती हूँ। तो ऐसे ही मैंने आज किया है, खा ले चावल फ्रेंड। हमने बहुत तेज भूख लगी थी, अफर गए हमको। फ्रेंड शाम के 4 बज गए हैं, शाम हो गई और मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ही बात कर लूँ थोड़ा।
मेरा भी मन लग जाएगा। तो फ्रेंड आपको आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पे जनरेटर चल रहा है क्योंकि वो पानी जो जाता है ना तो पाइप पड़े हुए हैं नाली में पानी वाले, तो उसकी वजह से वो ढके जा रहे हैं, मतलब वो हो रहा है कि आरसी वगैरह जो होती है वो पड़ी जा रही है रोड पे, तो इसकी वजह से जनरेटर चलता है ना तो फिर आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, इससे तो इतनी ज़्यादा परेशान रहती है। मैं कुछ पूछूँ, मैं पेड़ है ना इसके पेड़ के पीछे लगा हुआ है, यहाँ से इतनी आवाज़ आती है ना मेरे घर पे, और ये सामने पार्क है यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं पूरे दिन मैच होता रहता है, अभी तो कुछ नहीं कोई नहीं इतना ज़्यादा, वैसे बहुत लोग यहाँ पे खेलते हैं फ्रेंड, ये नहीं कि कोई रहता है। फ्रेंड मैं मार्केट जा रही हूँ, ये रोड लेके आई थी ना तो ये फूक गई है, अब इससे पानी गर्म नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम होती है, अभी इतनी ठंड है कि गर्म पानी से नहा सके, तो ये चेंज करके दूसरी लेके आऊँगी वरना इसकी गारंटी निकल जाएगी तो फिर वो देगा नहीं। आए फ्रेंड दुकान पे, यहीं पे चेंज करेंगे, फ्रेंड रोड चेंज करने गए थे तो उसने करी नहीं, बोल रहा था कि ऐसी चेंज नहीं होगी, तो अब हम आ गए हैं तो गोल गप्पे खा रहे हैं यहाँ पे, गोल गप्पे की पार्टी जा रहे हैं। जा रहे हैं घर पे, मिलते हैं आप लोगों से, सबके घर पे आए गए फ्रेंड, घर पे कोई फायदा हुआ नहीं, घर गए थे रोड चेंज करने तो उसने चेंज ही नहीं करी, बोला था कि ऐसी ये तो मतलब फट गई है रोड की चेंज नहीं होगी, तो ऐसे बोल के उसने मना कर दिया, अब नई वाले लानी पड़े, अब चाची जाएंगी तब लेके आएंगी, मैं तो नहीं लेके आई। शाम हो गई है फ्रेंड, हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय गाइस।